मैं बदनसीब तेरे सामने अपने मुकद्दर का गिला तो कर सकती हूँ, लेकिन माँ होकर जवान बेटे को बंदुआ नहीं दे सकती। मैं हर दुख सह कर सिर्फ इसी उम्मीद पर जिंदा रहती कि बेटे के जवान होते ही मेरे इस जुड़े हुए घर में बाहर आ जाएगी। लेकिन मालूम हुआ बेटे को जवान दे सुबह मैं अपनी जिंदगी के हर सांस को परे। खुदावर यही अगर जिंदगी है तो मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, मैं जानू की बर्बादी नहीं देख सकती। खत्म हो गया। अरे कुर्सी सीधी रखो, हम लोग भी आज का बदमाश है नी। अरे लोग कहते हैं जानू गुंडा है, आवारा है, बदमाश है, कुछ भी है वो अपने लिए, लेकिन जानू अंदर नहीं है। अरे चल कुबड़ा एक बोतल लाया। अरे कुबड़ा गाना भी गाता है। अरे अरे डिसोजा, मेरे को जूली बोला कि डिसोजा शराब पीना छोड़ दिया है, तू आज भी पीता है। अरे जूली ठीक बोला, हम छोड़ दिया, थोड़ा सा पिया तो क्या हो गया। अरे नाकू वाजा, अरे तो शराब रे वाजा, मैं लिख रहा पैसा न भी था, मैं तो हाथ को वर के वास्ता मारा कम पे दे। अरे 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 शराब ला रहे। अरे टोपी उतार, टोपी उतार अपनी असलियत पे। भाई तू भी हो पहले आदमी हो जिसने मुझको सही समझा है। अरे जाओ, ये लोग जो तुझको शराबी आवारा बदमाश बोल रहे हैं ना, ये खुद मार लिया। तू भी ये मेरे को दे दे, ये तू ले ले। अरे अरे किधर गया? अरे जानू पी, जानू पियो। खुशी है क्या हमको ये एहसास नहीं, गम है क्या खुशी है क्या हमको ये एहसास नहीं, दूसरा कोई क्या होगा हम खुद अपने पास नहीं, कहाँ से आए कहाँ है जाना भूल गए ये हम, पियो और जियो जब तक दम में है दम, जब तक दम में है दम। बतलाए क्या कैसे ये दिल टूटा है, किसी को हम बतलाए
क्या, कैसे ये दिल टूटा है, अपने क्या बेगाने क्या, सबने हमको लूटा है। अशकों की बरसात मिली जब मांगी प्यार की शबनम, पियो और जियो जब तक गम नहीं है गम, जब तक गम नहीं है गम। हाथ अंधेरा आया है, सूरज ढूंढने निकला था, हाथ अंधेरा आया है। कल भी साथी साया था, आज भी साथी साया है, सबने साथ दिया है मेरा, बस दो चार कदम, पियो और जियो जब तक दम नहीं है दम, जब तक दम नहीं है दम। पीने के बाद आता नहीं पास कोई गम, पियो और जियो जब तक दम नहीं है दम, जब तक दम नहीं है दम। माँ, तुम अभी तक जाग रही हो? शराबी औलादों की माँ सोया नहीं करती, जागे ही करती है। राजा ने उससे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि अब तो खुदा भी मेरी दुआएं नहीं सुनता। अभी उसको न तुम्हारी दुआ सुनने की फुर्सत है और न फरियाद की, वो सो रहा है माँ। अगर वो जागता होता तो मेरे जैसा पांच जमात पास लिखा पड़ा ड्राइवर बेकार ना घूमता। तुझे शराब और आवारा दोस्तों, तू तो खामखा मेरे दोस्तों की दुश्मन है माँ। उनका ये एहसान क्या कम है जो मुफ्त की शराब पिलाकर मेरे गम को दूर कर देते हैं। वो तेरे दोस्त नहीं दुश्मन है, जो जहर पिलाकर तेरे जिस्म को अपार बना रहे हैं। लानत है ऐसे दोस्तों पर जो शराब तो पिला सकते हैं लेकिन रोटी के लिए दो रुपए नहीं दे सकते। माँ ये काली चाय? दूध वाले ने उधार देना बंद कर दिया है। चीनी डालना भूल गई माँ। चीनी खत्म हो गई है और मुद्दत हो गई इस घर से पैसे रुखसत हुए। जानो माँ मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, और उस वक्त तक तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक मुझे नौकरी ना मिल जाए। खुदा हाफिज। Thank you.
सिनेमा में बड़ी अच्छी फिल्म लगी है। हाँ, दुल्हन एक रात की, चलती हो सिनेमा? भगमत चलो भाई रिनो सिनेमा। तुम कौन और क्या चाहते हो? दोस्ती। तो मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। खामोश बैठो वरना आज ये खंजर मुझे दे दो और नीचे उतरो। तुम कौन होते हो मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? ये झूठ बोलता है, मैं इसकी बीवी नहीं। खुदा रा मेरी मदद करो, ये बदमाश। रो बदमाश के बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ जाना है आपको? मैक्लोड रोड। अच्छा, ए मिया, ये बीबी को जरा मैक्लोड रोड तक पहुँचा दो। अच्छा साहब। और सुनो, रास्ते में कोई गड़बड़ ना करना। चाचा चाचा, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर, कोई जगह होगी? मियां, यहाँ पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है, ड्राइवर की नहीं। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी, मुझे नौकरी चाहिए। मैं भिखारी नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। तुम गूंगे हो, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। लाइसेंस? हाँ लाइसेंस है। आप जी तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपको किस तरह पता चला कि मैं यहाँ? ये मैं दरअसल कई दिनों से बेकार हूँ, गुंगी ने बताया कि यहाँ ड्राइवर की जरूरत है। आप ड्राइविंग जानते हैं? जी हाँ, मैं हर मॉडल चला सकता हूँ मेम साहब। मेरा नाम मेम साहब नहीं, रूबी है। ये है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। आइए मेरे साथ। ओ, हम तुम्हें हजार दफा बोले कि फजूल बकवास मत किए, और तुम इससे बाज नहीं आएगा, जो फजूल बकवास करता रहेगा। कौन था वो इज्जत ठेकेदार? तुम कैसे आए? सर, एक ड्राइवर आया है। किधर है? जी बाहर बैठे हैं। कौन है? बड़ी बम चीज मालूम होती है। आई आई, क्या करता है? ये लड़का है या लड़की? अंदर जाओगे तो खुद ही मालूम हो जाएगा। आइए मेरे साथ। हो गया काम? सलाम। तुम्हारा नाम जानो है? जी साहब। लाइसेंस नकली तो नहीं? नहीं साहब, बिल्कुल असली। तुमने कौन कौन सा गाड़ी चलाया अब तक? वैसे मैम साहब, गाड़ियां तो मैं सारी चला लेता हूँ, खासकर मेरी फेवरेट गाड़ी जो है बेडफोर्ड, और ट्रैक्टर और बिग मशीनरी वाला जो गाड़ी है वो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उनमें पावर ज्यादा होती है तो बोझ भी ज्यादा उठा लेती है। वैसे अगर चांस मिल जाए तो छोटी भी चला लेता हूँ। नौकर रखने से पहले हम तुम्हारा ट्रायल लेगा। वैसे मैं हर किस्म का ट्रायल दे सकता हूँ मैम साहब, जिस तरह चाहे लें, वैसे मैं आज तक फेल नहीं हुआ। हमारा
ट्रायल का तरीका डिफरेंट होता है। अरे मेम साहब, मैं हर किस्म का ट्रायल दे सकता हूँ, जरा आजमा कर तो देखें। यहाँ से 10 मील दूर बजरी का स्टॉक है, तुम्हें वहाँ से पूरा 1 घंटा में बजरी ट्रक में लोड करके यहाँ तक वापस पहुँचना होगा। बजरी कौन भरेगा? बजरी मशीन भरेगी। फिर तो कोई बात ही नहीं, 5 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँगा मैं। आदमी देर लगता है, कम ऑन। अगर क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो समझा कोई आइटम बम होगा। चलो की दुआएं मेरे साथ हैं मेम साहब, मैं आज तक किसी इम्तिहान में फेल नहीं हुआ। आखिर इसमें मेरा कसूर क्या है? मैंने तो ट्रायल भी 1 नंबर में पास किया। और ट्रक टूट गया तो तुम्हारे बाल का क्या जाता? ट्रक कैसे टूट जाता मेम साहब? मैंने लाइसेंस रिश्वत देकर हासिल नहीं किया, मेहनत से हासिल किया। ओहो, मेरी मामूली सी बात तो सुनिए। मैम साहब, बहुत गरीब आदमी हूँ। देखिए माशाल्लाह आपकी इतनी अच्छी चाल है, आपको अपनी चाल का वास्ता मुझ पर रहम कीजिए। बजाया बाजा, बड़ा मजा आया। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा और बेसुरा बाजा सुना और देखा। Are you joking? Are you sure? Thank you very much. Please sit down. मेरे मतलब बैठो। By the way, who are you? तुम सुनते नहीं? हम मतलब बाहर जाओ। हमारा हाथ दुखा दिया। Tell him to go out. हम बस ऐसे
हो तुम्हारे को? क्यों उस गरीब को तम करता फजूल? ये गरीब नहीं डैडी, ये बहुत खराब आदमी है। If you don't like him, that is another thing, but I like him. He's the only Manisha, pure musical minded. Oh my God, डैडी ये ड्राइवर है, ड्राइवर। ड्राइवर है? ये तो और भी अच्छा बात है। जब इसका ट्रायल हो, यू नो दैट हमारे फर्म को अच्छा ड्राइवर का बहुत जरूरत है, प्लीज। डैडी हमने इसका ट्रायल लिया था, ये फेल हो गया। फेल हो गया? साहब जी ये बिल्कुल झूठ है, इनके बताए हुए टाइम से मैं 5 मिनट पहले पहुंच चुका हूं। क्यों क्यों मैम साहब? उनसे क्या बात करते हैं, हमसे बात करो। हम तुम जैसे ड्राइवर नहीं मानता। माय गॉड, तुम्हारा सर फोड़ के रख दी? रियली? कैसे? ये तो टक को खटू से कुदवा के लाया डैडी, बहुत खतरनाक ड्राइवर, वेरी डेंजरस मैन। मगर साहब मैं वक्त से पहले तो आ गया। तुम वक्त से पहले तो आ गया, ट्रक टूट जाता तो? माय गॉड, 10 फुट चौड़ा खड्डा डैडी। व्हाट? 10 फुट चौड़ा नाला को ट्रक जम किया? दैट इज इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल ठीक है साहब। रियली? जॉनी, फिर तो ये सुपरमैन है। इस माफे का ड्राइवर को हमको बहुत जरूरत है। तुम इसको ले जाओ, इसका नाम रजिस्टर में दर्ज करो और दूसरा ड्राइवर से 10 रुपया पर वीक इसको ज्यादा दो हमारा तरफ से। डैडी, माय डियर बेबी, हम तुमको बाद में समझाएगा, ये बड़ा काम का आदमी है, म्यूजिकल माइंडेड भी है और हम समझाएगा समझाएगा। साहब जी थोड़ी सी गुजारिश और भी, और इसको थोड़ा सा गुजारिश भी दे दो। इनका मतलब है ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो बोलो क्या बोल। मैं दरअसल परदेसी आदमी हूँ और बस। परदेसी तो हम इधर सब देश का आदमी, इसमें परदेसी का क्या बात है? यू मीन तुमको कुछ रहने सहने के वास्ते हो जाएगा फिक्र का कोई बात नहीं। देखा देखा डैडी, ये हमसे पहले नौकरी मांगता, अब आपसे रहने को जगह भी मांगता। ये हमको 420 लगता है, 420। बेबी प्लीज कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट विल यू। रूबी तुम इसको ले जाओ, इसके रहने सहने का बंदोबस्त करो और खाने पीने का भी। हम बेबी को समझाता है। लुक हियर बेबी और लिसन केयरफुली, हमारा तजुर्बा बोलता है कि ये आदमी बहुत काम का है, ड्राइवर का ड्राइवर है और चौकीदार का चौकीदार। ये हमारा फर्म का ख्याल रखेगा। तुमको मालूम नहीं हो साला ठेकेदार और उसका फ्रेंड हमारे हमको कितना परेशान किया। अगर यूनियन का चक्कर ना होता हम सबको गेट आउट कर देता, बट आई कांट डू दैट, दैट इज इम्पॉसिबल। हमको तो लगता है वो 10 लाख रुपए का जो गबन है इसमें भी इन साले लोग का हाथ है। कैसे इमेजिन है ये, कैसा पॉसिबल, ये कैसा हो सकता है? एक मामूली ड्राइवर और जो इसकी पिता है वो भी स्कॉच, रात को रहने लोग का मुजरा सुनता है। कल तुम जानू के कमरे में क्या कर रहे थे? अगर तुमने कभी किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। क्या बात है रूबी, तुम कुछ परेशान नजर आती हो। हाँ जानू, अक्सर खुशहाल जिंदगी के दामन में के सिवा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम क्या करोगे पूछकर? अरे लोग कहते हैं दुख बताने दिल का बोझ हल्का हो जाता है, जल्दी से बताओ क्या दुख है तुम्हें? दुख, वो दुख जो मैं अक्सर बुलाने की कोशिश करती हूँ। आखिर बात क्या है? सुनूंगी। हाँ तो सुनो। एक रात की बात है जानू, तुम आज भी शराबी कर रहे हो? वो तो मैं रोज पी के आता हूँ, लेकिन तुम कौन पूछने वाले? मैं तुम्हारी बहन और मुझसे मोहल्ले वालों की बातें नहीं सुनी जाती। तो काम बंद कर लिया कर अपने, मत सुना कर मोहल्ले वालों की बातें। एक मुझे ये तोहफा मुझे इसी दुनिया ने दिया है, इसी दुनिया ने दिया है। जा सोचो मुझे अच्छी बहने भाइयों के ऐबों का हिसाब नहीं लिया करती। अगर गलतमंद है तो जरूर लिया करती है। और मेरा गला दबा दे, तू मेरा भाई नहीं, खानदान की गैरत का दुश्मन है।
लगा ना दिए सिपाही पे जो घर में कदम रखे तो ट्रक मंगाते हुए कदमों से घर की दहनी हिल जाए। घर से बाहर निकले तो मोहल्ले वाले बेहयाई की दास्तान को इश्तिहार बना के घर के दरवाजे पे चिपका देते। आज तो मुझे पहचानने से इनकार नहीं कर सकते। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। झूठ बोलते हो। आज तो मौत भी मुझे तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकती। इससे पहले कि मेरी भूल चीज चीज कर दुनिया वालों से अपने बाप का नाम पूछे तुम्हें इकरार करना होगा कि मेरे पेट में पलते हुए गुनाह के सवाल का जवाब तुम हो। बंद करो ये नाटक। वरना गोली मारूंगा। गोली तुम नहीं बल्कि आज मैं तुम्हें मारूंगी। फिर मैंने पुलिस को फोन किया। फिर क्या हुआ? और मैंने उस लड़की को गोली मार दी। पुलिस ने मेरा पीछा किया। मुझे गोली लगी लेकिन मैं बच गया। बनता है क्या? एक दफा मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो शहर छोड़कर चली गई। तुमने उसे ढूंढा नहीं? अब ढूंढ कर भी क्या करूंगा? जिंदगी ने रास्ता बदल दिया। जरायम की एक दास्तान बन गई। अब मैं बदनाम इंसान और कभी कभी इन कागज के पर्दों के लिए कत्ल दिखा देता हूँ। आओगे ना डालिए? क्यों नहीं, तुम बुलाओ और मैं ना। ओके डालिए। Yeah.
ढलती है, जब ढलती है। ये इस फर्म का ठेकेदार है और फर्म की जिंदगी का सारा दारोमदार इसी पर है। अच्छा, मेरे ख्याल में मैं भर्ती हुए हूं। जनाब, क्या तकलीफ थी मुझे या आपको? आपको शायद तुम मुझे नहीं जानते। जानता हूं ठेकेदार। फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जवाब दो। तुमने एक मजलूम इंसान पर हाथ क्यों उठाया? जवाब तो मैं तुझे ऐसा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ए, ए, जानू, क्या करते तुम लोग? काय को आपस में दंगा फसाद कर रहे हैं? इट्स वेरी बैड। तुमको मालूम नहीं अमावन पसंद आदमी है और दंगा फसाद को बिल्कुल हेट करता है। यू अंडरस्टैंड? यू, तुमको मालूम ये कौन है? चमचा बदतमीज, अपनी जबान को लगाम दे। आराम से ठेकेदार, आराम से। जानू, ऐसा बात नहीं करते। ये हमारा फर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार है, कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, अब वापस आ गया। मिस्टर ठेकेदार, ये हमारा फर्म का नया ड्राइवर है, बिल्कुल म्यूजिकल माइंड है, म्यूजिकल माइंड। ये आपको गाना सुनाया, पागल कर दिया, पागल कर दिया। और तुमको भी गाना सुनाएगा तो पागल कर देगा तुम्हारे को भी। और हाँ, हम इसका नाम बताना तो भूल ही गया, इसका नाम है जानू। मुझे तो जानू से ज्यादा जानवर लगता है। सेठ साहब, इसे तबलों की एक जोड़ी ले दीजिए ताकि बुढ़ापे में इसके काम आ सके। ठीक है ठीक है, कम ऑन ठेकेदार, तुमको न्यू ट्यून सुनाएगा, पागल कर देगा, कम ऑन कम ऑन। ठीक है बच्चे, ये बढ़ ले आना। आप जी, बड़ी देर लगा दी आपने, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। लगता है आप मुझे नौकरी नहीं करने देंगे। इस तकल्लुफ का मतलब लोग गलत समझेंगे। तकल्लुफ सेठ साहब का हुक्म है, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूं। अच्छा अच्छा, मैं समझा, शायद शायद क्या? छोड़िए, भी फिर भी। अच्छा, इस गूंगे के बारे में कुछ बताइए। ये बड़े मजलूम इंसान है, पहले ये गूंगे नहीं थे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ये सुन के और भी हैरान होंगे, ये ग्रेजुएट है और मेरे उस्ताद भी। दफ्तर का सारा काम इन्होंने मुझे समझाया है। ये गूंगा कैसे हुआ? ये हमारे दफ्तर में कैशियर थे, एक दिन बैंक में रुपए लेकर जा रहे थे कि अचानक डाकू ने। अच्छा बाबा, कुछ नहीं बताती, मुझे माफ कर दो। आप किस दिन खुद इनसे पूछ लीजिएगा। दफा करो, ये लो, ये लो। की गहने जरूरत? जो तो आने गहने हैं तो फिर तो पूरे होने। अच्छा, कितने पैसे?
मैं तो अड़े को तनख्वाह लेती हूँ तो खैरात नहीं लेती अरे कुछ प्रोग्राम होना चाहिए क्या मतलब मेरा मतलब है कि आज जी राजा लगी दोनों कटे पै के शो देखेंगे और यू चला ये तो तुम हर महीने कह दे रहे हो शक्का मैडम साहब ये तनख्वाह आज आप रख लें क्यों इसलिए कि शोरा पी के गुजारा कर लेता है शुक्रिया मेरा मतलब कहने का ये है कि हर महीने तनख्वाह लेके जिस बाजार से मैं गुजरता हूँ आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मुझे कभी दिखाई नहीं थी रख लीजिए और क्यों के लिए थैंक यू माशाल्लाह मैंने बहुत बहुत तारीफें सुनी है लेकिन आप जैसा मैंने गुंडा दुनिया के तख्ते पे नहीं देखा माशाल्लाह आपकी बॉडी में ट्रक की बॉडी में कोई फर्क नहीं साहब भाई कुत्ते ओह अच्छा तो आपको ईदी चाहिए ये लीजिए इसमें 5 रुपए दे दीजिए मैंने सूटा ले बकवास न करो यार तुम तो अच्छे खासे अट्टे कट्टे हो फिर ये भीख क्यों मांगते हो एक नहीं मांग रहा टैक्स वसूल कर रहा टैक्स यस टैक्स किस चीज का टैक्स बदमाशी टैक्स अच्छा ये धंधा तो मैं भी कर रहा था लेकिन अब छोड़ चुका हूँ सीधी तरह टैक्स दे दो वरना तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें टैक्स नहीं सुपर टैक्स दूंगा सुपर टैक्स वंडरफुल वंडरफुल बाहर उन गीतर को मारूं ये बहुत आराम साथ है इस बेजबान दोस्त की वजह से तुझे माफ करता हूँ अगर तुमने फिर किसी से टैक्स मांगा तो तुम्हारी ये बगैरत मूंछ है ना उखेड़ दूंगा बेबी डार्लिंग डोंट डिस्टर्ब मी तुम्हारा मस्करी हमको बिल्कुल पसंद नहीं प्लीज डैडी हम आपको खुशखबरी सुनाने आया वो खुशखबरी हमको बाद में सुनाओ अपना ट्यून भूल जाएगा डैडी हम तो आपको जानू का कारनामा सुनाने आया उसने कोई और कारनामा दिखाया वेल इफ इट्स सो हमारी तरफ उसका वीकली वेजेस डबल कर दो और भत्ता भी डबल कर दो बट लेट मी नो उसने क्या किया डैडी उसने अमाइयों और उसका दोस्त ड्राइवरों को इतना मारा को उनका हजी पसली तोड़ के रख दिया वाल वेरी गुड गुड तुमको हम बोला ना ये जानू बहुत काम का आदमी मगर तुम हमको बिलीव नहीं किया एक्सक्यूज मी सॉरी अरे दिन ब दिन रूबी का रंग निखरता जा रहा है क्यों ना निखरे बेपसंद महबूब जो मिल गया हट्टा कट्टा सच कौन है वो अरे वही अपना जानू ये अपना जानू कब से हो गया इससे जरा बचना कहीं ये अरे वो ऐसा नहीं है जिस चुड़ैल पे आशिक हो जाए ये लो और अपना काम करो अरे आप ये 100 रुपए मेरी माँ को भेज दे और ये है एड्रेस मेरी माँ का ये हूँ कैसे लड़ाई हो गई थी किससे वो हुमायूं से वो अपने आप को बड़ा गुंडा कहता है लेकिन आज के बाद वो किसी से टैक्स वसूल नहीं करेगा तुम उसे लड़ाई मत मोल लिया करो जानू वो बहुत बुरा आदमी है राजा शर्म मिला ये लो साहब
इस बेइज्जती का बदला मैंने जानू से न लिया तो मेरा नाम हमायूं नहीं। नाम तुमने अपना बदनाम नहीं किया बल्कि मेरे नाम को डबो दिया। जानू को हर कीमत पे अपने रास्ते से हटाना होगा। ठेकेदार साहब आप फिर से कहकर जानू के छुरों को हर कीमत पे अपने रास्ते से हटाना होगा। ठेकेदार साहब आप फिर से कहकर जानू की छुट्टी क्यों नहीं करवाते थे? मैंने सेठ से बात की थी मगर वो जाने के हाथों मजबूर है। वो मजबूर है आप तो मजबूर नहीं है। आप तो चाहे कर सकते हैं हम सब आपके साथ। मुझे मालूम है हमायूं मगर हालात जानू की वजह से इतने खराब हो चुके हैं कि अब हमें गुस्से से नहीं बल्कि सियासत से काम लेना होगा। झगड़ा हो गया है ये कोई नई बात नहीं। अरे जाने की कसम तुम कहो तो मैं उसे नौकरी से निकलवा सकता हूँ। ठेकेदार जानू किसी के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाता। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम वफादार भी हो बहादुर भी। अगर कभी मेरी जरूरत महसूस करो तो मुझे तू समझ कर याद कर लेना। ओके बाय। जरूर जरूर। ठेकेदार तुमसे क्या कह रहा था जानू? कुछ भी तो नहीं। ये बहुत खतरनाक आदमी है। तुम मुझे हर वक्त इनसे क्यों डराती रहती हो रूबी? जानू बुझे नहीं है। मेरा ये मतलब तो नहीं। और क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझते क्यों नहीं जानू? Thank you.
अंकल कहाँ गई थी? ऑफिस से काम से जरा बाहर गई थी। साथ कौन था? कोई भी नहीं। लेकिन तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि जिस आदमी के साथ तुम मोहब्बत की पीने बढ़ा रही हो वो हम लोगों का बदतरीन दुश्मन बन चुका है। मगर तुम इस किस्म की बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? ऐसा ना हो कहीं गेहूं के साथ घूम भी फेस जाए और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि तुम। सलाम मैम साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ब्रेकर लेने आया था। हाँ यस रूबी, तुम ये रुपया बैंक में जमा करा देना क्योंकि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। खैर तो है। हाँ विल्सन आ रहा है। मुबारक हो। और तुमको भी। किस बात की? हमको पास ही बाबा ने सब कुछ बता दिया। क्या? हमने जानो का तनख्वाह डबल कर दी। ओके मस्करी लगाए तुम लोग। जानू को निकाल दो, जानू को निकाल दो। जाओ अपना अपना काम करो। काहे को हमारा फर्म को बदनाम करता है और गवर्नमेंट के खाते में मेरे को ब्लैकलिस्ट करवाएगा क्या? मेरा काम कैसे चलेगा? जाओ काम करो। जानू को निकाल दो। ये पागल आदमी तुम लोग समझता क्यों नहीं? मैं जानू को नौकरी से नहीं निकाल सकता, ये लेबर कानून के खिलाफ है और उसको नौकरी से निकल जाना नहीं मानता। हाँ तो फिर ये लोग चाहेंगे। जानू को निकाल दो। क्यों निकाल दी जानू को? क्या कसूर किया है उसने तुम्हारा? हाँ रूबी ठीक ही तो बोलता है, उस बेचारे का कसूर किया है। ये असल बात का कुछ पता भी तो लगे, कुछ बोलो ना। हे मायो इन लोगों को बोलो हैं काम पे जाए, मेरा मुंह क्या देखता है। जाओ काम पे तुम लोग। नहीं हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा ना होगा। जो वो जानू आ गया तुम खुद उससे बात कर लो ना, तुम निकालो उसे। हैं चलो, मैं अभी तुम्हारा मुतालबा पूरा करता हूं। जा रहे हो चोकर पाला, इसका डट कर मुकाबला करो। अभी हम तुमको बड़ा कितना बहादुर आदमी है। All the go! What a beautiful man you are! हमारा विल्सन भी आ गया। विल्सन हेलो। तुम आते झगड़ा बसात किया है, ये अमन का मुल्क है, यहाँ अमन से रहो, झगड़ा बसाने का कोई जरूरत नहीं। तू क्या करता है? जानू स्टूपिड,
क्या इसको मारकर तुम फांसी चढ़ना मांगता? इस खुशी के मौके पे काय को हमारे को मुसीबत में डालता? बाबा तुमको मालूम नहीं हमारा आज क्रिसमस डे है, शाम को तुमको ड्रिंक कराएगा। ये हमारा ड्राइवर है जानो। है तो ड्राइवर मगर बहुत ब्रेव आदमी है, ये अच्छा चलो का छक्का छोड़ा दिया, सब ठीक कर दिया हमारे डिपार्टमेंट में। और तुमको मालूम ये कौन है? कौन है? ये हमारा होने वाला टमाटर विल्सन, मीट करो मीट करो। डैडी यू आर स्टेइंग। ओह थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आइंदा तुमने कोई बदमाशी की तो मैं ये तुम्हारी नाक काट दूंगा, समझे? चलो तुमको मालूम नहीं अमन का जगह है, यहाँ से स्टूपिड गेट आउट। चलो डार्लिंग। ओ आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो क्रिसमस का खूबसूरत तोहफा। इसे हिफाजत के साथ अपनी जगह पे पहुंचाना, बड़ी मुश्किल के साथ तैयार करवाया है। रहे तू सदा मुस्कुराए, सदा खुश रहे तू सदा मुस्कुराए। तेरी जिंदगी कोई गम ना आए, खुश रहे
ये चाल भी हमारी नाकाम हो गई है। पता नहीं जानू ने जानी पर क्या जादू किया है, अब वो उसके साथ रक्स भी करने लगी है। जिस तरह रात मुझे जानू ने तड़पा है, उससे कहीं ज्यादा मैं उसे तड़पा कर मार के मारूंगा। आप फिक्र न करें सेठ साहब, ये दुश्मन एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। ये लें दूध पिए। थैंक यू सेठ साहब। हमारा काला क्लोपेट्रा का क्या हाल है? स्टिल शी अलाइव? थैंक्स गॉड, हम ताबूत का खर्चे से बच गया, वरना हमको डबल ताबूत बनाना पड़ता हूँ। माय गुडनेस। सेठ साहब मैं बाहर बैठा हूँ, विल्सन अगर को काम हो तो मुझे बुला लेना। ओके ओके। रवि तुम ऑफिस में जाओ, बिकॉज ऑफिस में कोई नहीं है। प्लीज जानते हो ठेकेदार, मैंने कानून की निगाहों से बचने के खातिर डिसोजा एंड कंपनी का टेकन हमें दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। हम मुजरिम जरूर हैं, लेकिन वादा खिलाफ नहीं मेरे दोस्त। लेकिन इतना अच्छा गुजर जाने के बाद भी तुम सेठ की तिजोरी तक ना पहुंच सके, और तुम्हारी हर स्कीम को एक मामूली ड्राइवर जानो ने नाकाम बना दिया। लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक डिसोजा एंड कंपनी से आज तक मैं जो भी फ्रॉड करता रहा उसका हिस्सा तुम्हें बराबर मिलता रहा। लेकिन 10 लाख के फ्रॉड में अभी 2 लाख तुम्हारे जिम्मे है, ये मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। जुर्म और मजबूरी का कोई रिश्ता नहीं, और अगर तुम्हारा मतलब जानू से है तो उसे हर कीमत पर खरीद लो। आई नो माई फ्रेंड के गुर्बत दौलत का सामना नहीं कर सकते, फिर भी काम ना बने तो तुम खुद जानते हो कि जानू का क्या अंजाम हो सकता है। जानू देखो जानू, रास्ते का पत्थर मजबूत पांव के नीचे आते ही अपनी कब्र में उतर जाता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मुझे मतलब समझाने का तरीका अच्छी तरह आता है। मेरा पहला तरीका ये रकम तुम्हारी मजबूरियों का कफन बन सकती है, लेकिन तुम्हें सेठ की नौकरी छोड़ना पड़ेगी। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। फिर सोच लो जानो। कह जो दिया, कागज के ये टुकड़े मुझे नहीं खरीद सकते ठेकेदार।
कर लेने वाले का अंजाम तुम लोगों ने पहले भी देखा था और आप भी देख लो। याद रखो तुम सब, अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ कोई साजिश की तो उसका यही असर होगा। इसे दफन करने के लिए कब्र खुद से इसका हल क्या होना चाहिए? इसका हल यही है कि फौरन थाने फोन कर दिया जाए। नहीं नहीं, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। कारोबार दिल से नहीं बल्कि जहन से चलते हैं रूबी। ठेकेदार ठीक बोलता है, जल्दी तुम थाने में फोन करो। ओके ग्रैंडफादर। हेलो पुलिस स्टेशन, हम देखो डिसोजा एंड कंपनी से बोलता है, हमारा एक ड्राइवर ट्रक लेकर भाग गया है, उसका नंबर है KAG 3024। यस ओके। क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रही हैं? जानू ट्रक लेके भाग गया है और जानी पापा ने उसके गिरफ्तारी वारंट निकलवा दी है। वो ट्रक लेकर कभी नहीं भाग सकता, जरूर इसमें किसी दुश्मन हाथ है। पारसी बाबा। यस। ये 1,00,000 रुपया हमारा बैंक में जमा कर दो। जी। हमने ट्रक्स का पेमेंट करना, यू नो दैट। तुमने इंक्वायरी किया उसका डिलीवरी कब होएगा? वो सर मैंने फोन किया था, ट्रकों का डिलीवरी मंडे तक मिल जाएगा। वेल नेवर माइंड, तुम पैसे जमा कर दो। जी। बट बी केयरफुल। डोंट वरी सर, डोंट सर, मैं मैनेजर को फोन करता हूं। यस सर। Thank you.
अगर जानू हाथ में आया तो क्या होगा? जो होगा वो तुम भी जानते हो और मैं भी। नर्स, जाओ उसके साथी को बुला लो। ओके सर। घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त को होश आ गया और उसने तुम्हें अंदर बुलाया। मेरे दोस्त, मैं अंधा हो चुका हूं, अब तुम्हें देख भी नहीं सकूंगा। मुझे अफसोस है, तुम्हारा दोस्त अंधा हो चुका है। मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, हालात से समझौता करो मेरे दोस्त। पारसी बाबा, क्यों रोते हो मेरे दोस्त? हौसला रखो, जिन लोगों ने मेरी आंखों में अंधेरे उतारे कल उनकी आंखें भी उजालों को तरसेंगी। मैंने खुद उसकी नब्ज देखी थी। तो फिर कौन ले जा सकता है उसकी लाश को? उस जगह का पता सिवाय डूंगे का और किसी को नहीं। और डूंगा इतना बड़ा काम कभी नहीं कर सकता। इसका पता भी चल जाएगा। प्यासे
क्या नेशन, यू मीन इस्तीफा? अगर लड़की इस्तीफा देकर काय को अपने आप को मुसीबत में डालना मांगता। आई डोंट एक्सेप्ट योर इस्तीफा, मेरे को नहीं मंजूर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? लेकिन मैं गंभीर रूबी। ये क्या है? ये रूबी का रेजिग्नेशन है। जब गया तो क्या, और गधा का बच्चा इसके साथ फोर्थ एंट्री करके इसको धोखा देकर भाग गया। आई विल किल हिम। जजी, वो मेंटल केस है हमारा मार्फिक। व्हाट, एवरीबॉडी इज मैड? ठीक है ठीक है। बेटी तुम जाकर रूबी को समझाओ, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। तुमको मालूम है उसको अपना बेटी की तरह लव करता। जय जी, वो हमारा बात नहीं मानेगा, वो अपना आप ही ठीक हो जाएगा। वेरसी, ओ ठेकेदार ने आज पेमेंट करना था, वो अभी तक नहीं आया। तुम जाकर उसको फोन करो प्लीज। ओ आई सी, ओके डैडी, बाय बाय। ठीक ठीक ठीक। ओ गधा का बच्चा, अगर आज पेमेंट नहीं करा तो हम कुक। नो, इट्स अ वैल्यूएबल स्टिक, इसको तोड़ना नहीं मांगता। मैं इसका एंट्री बंद कर देगा। चेक हाजिर है। तुम अपना हरकत से बात नहीं आएगा ठेकेदार? लाखों रुपए का फायदा देता हूँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुझसे प्यार कर सकूं? मैं विल्सन का अमानत हूँ, उसका मेरा बहुत जल्द शादी होने वाला है। यहाँ तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप कोई और घर तलाश करो। अगर जख्म इतने गहरे ना होते तो मैं ऑपरेशन की ट्राई जरूर करता। शायद खुदा को यही मंजूर था। डॉक्टर साहब, तुम ठीक कहते हो। डॉक्टर साहब, मुझे छुट्टी कब मिलेगी? एक दिन और ठहर जाओ, कल चले जाना। कराची तो तुम जा रही चाची, मगर इतने बड़े शहर में जानू को कहां तलाश करूंगी? मेरे पास उसका पता है बेटे। मैं तो कहती हूँ कराची जाने का इरादा छोड़ दे, वो शराबी आदमी है, शराब से उसको फुर्सत कहाँ मिलेगी? गम है क्या, खुशी है क्या, हमको ये एहसास नहीं। दूसरा कोई क्या होगा, हम खुद अपने पास नहीं। कहाँ से आए, कहाँ है जाना, भूल गए ये हम। तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से ठेकेदार ने तुम पर ट्रक की चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुम जाके सेठ साहब को बता दो कि तुम चोर नहीं, तुम चोर नहीं। चलो जानो, चलो ना। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है जानो? इनकी बिनाई जालिमों ने छीन लिया है। किन जालिमों ने? जिन जालिमों ने पारसी बाबा को अपाहिज बनाया था। चलो जानो, यहाँ से कहीं दूर चले चले। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। मैंने अभी चुन चुन कर अपने दुश्मनों से अपना और पारसी बाबा का इंतकाम लेना है। तुम सुबह जाकर इस्तीफा वापस ले लो। तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता जानू, तुम उनका मुकाबला किस तरह करोगे? ये तो वक्त बताएगा रूबी। जमाने में अच्छा नौकरी किधर मिलता है? यू आर लकी गर्ल टू गेट दिस जॉब एंड एवरीबॉडी लाइक यू वेरी मच, यू नो दैट। अच्छा, इसमें जाओ, जॉनी से अपना इस्तीफा वापस ले लो प्लीज। गेट जॉनी ऑफिस में नहीं है। ऑफिस में नहीं है, किधर गया? आई फॉरगॉट, वो विल्सन के साथ अपना मैरिज का वो शादी का सामान तुम क्या बोलता है? जहेज। जहेज हमको तो नाम भी नहीं मालूम, वो जहेज का सामान लेने के वास्ते क्या। हरे कृष्ण।
दोस्त की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो चल नमो का मेहमान है। पारसी बाबा डॉक्टर साहब
मेरा दोस्त कहाँ है? तुम्हारा दोस्त तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया है जाना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पासी बाबा तुम बोलते क्यों नहीं हो? सूरज ढूंढने निकला था, हाथ अंधेरा आया है। कल भी साथी साया था, आज भी साथी साया है। सबने साथ दिया है मेरा, बस दो चार कदम। डॉक्टर साहब, जानू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं इसे जिंदगी में और तो कुछ नहीं दे सका। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें मेरे दोस्त के चेहरे पर सजा दें। हमारे मालिक ने उसका वारंट भी निकलवा दिया। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल कह रहा है वो चोरी नहीं कर सकता, कोई और वजह होगी। आप किससे मिल रहे हैं? जानू से, ये माँ है। आप चले मेरे साथ। ऐसी मनहूस खबर सुनने से पहले खुदा ने मुझे बहुत कीड़ा दे दी। मेरा बच्चा अचानक के अंधेरों में भटक रहा होगा। बेटी के पास ले चलो, मैं उसे घर के लेती हूँ। वो सुबह तक करेगी। हो सकता है पारसी बाबा ने किसी डॉक्टर के पास ले गए। सोचते क्या हो, रात जाहिर है। अगर रूही जानो की माँ को अपने घर ले गई हो तो जानो भी उसको जरूर मिलता होगा। डर तो इस बात का है, अगर जानो जिंदा है और हमने उसका ठिकाना नहीं लगाया तो ठेकेदार हमें ठिकाने लगा देगा। तुम फिक्र मत करो, जानू अपने माँ को मिलने जरूर आएगा और ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी। Thank you.
मुझे बताओ कि तुम लोगों ने जानू को कहाँ छुपा रखा है। मेरा बेटा बुजदिल है जो किसी की डर से छुप जाए। बातें मनाने की जरूरत नहीं बुढ़िया। लड़की बताओ जानू कहाँ। और गुलाब दोस्त सुना है कल सेठ की लड़की जानी की शादी है। तुमने ठीक सुना है लेकिन जानी से मोहब्बत तुम करो और शादी विल्सन से तो क्या फर्क पड़ता है। हर छोड़ इन बातों को। कल तुम्हारे बताए 2 लाख की रकम तुम्हें पहुंच जाएगी और इसके साथ एक हसीन तोहफा भी। लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम्हारे 2 कारिंदे चाहिए। Thank you.
ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारा डॉक्टर किडनैप हो गया, हमारे पास इतना दौलत है, हम उसके वास्ते कुछ भी नहीं कर सकता। हम विल्सन को क्या फेस दिखाएगा? माय गुडनेस, अगर हमारा डॉक्टर हमको वापस नहीं मिला, हम अपने आप को शूट कर देगा, हम खुदकुशी कर लेगा। प्लीज ठेकेदार, हेल्प मी। तुम्हारा बेटी मेरे कब्जे में है, अगर उसका जिंदगी चाहता है तो 2,00,000 रुपए लेकर मंगा पीर के पहाड़ी के पीछे आ जाओ। पुलिस को इतला करने की जरूरत नहीं, वरना जानी को कत्ल कर दिया जाएगा। जानू, आप बोलिए सेठ साहब, मेरा ख्याल ठीक था या आपका? वो आदमी आया इसलिए था। माय गुडनेस, इट्स इम्पॉसिबल। मगर अब क्या बनेगा? कोई फिक्र की बात नहीं, आप रुपया लेकर मेरे साथ चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, जल्दी चलो वरना बैंक बंद हो जाएगा। विल्सन का कुछ पता चला? नहीं सर साहब। मगर जाने का पता चल गया है, जाने को जानू ने अगवा किया। जानू अगवा करके ले गया, वो ऐसा नहीं कर सकता। यह तहरीर उसका सबूत है और हम उसका दिमाग पूरा करने के वास्ते 2,00,000 रुपए लेकर मंगा पीर के पहाड़ी के पीछे जा रहा है। विल्सन आ जाए, उसको बोलो फिक्र का कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, मैं डॉक्टर जमशेद बोल रहा हूँ, जमशेद क्लिनिक से। विल्सन मेरे हॉस्पिटल में है। विल्सन अस्पताल में है? जी हाँ, परेशानी कोई बात नहीं, उसे मामूली चोटें आई हैं। डॉक्टर साहब, विल्सन को बता दीजिए कि जानी का पता चल गया है। पता चल गया है? ना जाने ये बात कहाँ तक ठीक है कि उसे जानू अगवा करके ले गया है, फिर साहब 2,00,000 रुपए लेकर उसकी तरफ गए हैं। कहाँ? मंगो पीर की पहाड़ी के पीछे। मंगो पीर की पहाड़ियों के पीछे? कोई बात नहीं, हम तुमको वापस ले जाने के वास्ते पूरे 2,00,000 रुपए अपने साथ में ले आए।
ये दौलत तुमसे ज्यादा हमको अजीज नहीं है। जानू किधर है? हमको जानू ने नहीं डैडी, इस ठेकेदार ने हवा किया है। What? ठेकेदार? Yes, daddy. That is impossible. तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है सर। इसका मतलब है आज तुम हमको धोखा दिया, हमसे फ्रॉड किया। मोहब्बत और जंग में सबको जायज थे। हमको अच्छी तरह मालूम है तुमको जाने से नहीं, जाने का दौलत से मोहब्बत है। हाँ, मुझे तुम्हारी दौलत से मोहब्बत है और तुम्हारी बेटी से भी। अगर ये दोनों चीजें तुमने मेरे हवाले न कर दी, मैं तुझे उल्टा हटा दूंगा। जो चाहे कर लो, मगर हम अपना बेटी का शादी विल्सन से करना मांगता। यू अंडरस्टैंड? नहीं, तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो मुझसे होगी, लेकिन इससे पहले तुझे तेरे इनकार की सजा जरूर मिलेगी। इसे हमारी रिवायत के मुताबिक उल्टा लगा दिया जाए। ठेकेदार, हमारे डैडी को कैद मत करो, हम तुम्हारा हर शर्त कबूल करना मांगते हैं। ओह नो, डोंट से दैट, आई डोंट लाइक इट। खुदा भी बोलता है कि मौत का एक दिन फिक्स है, इस वास्ते हम माफ नहीं करता। तुम हमारा फिक्र मत करो, हम तुम्हारा इज्जत बचाने के वास्ते खुशी से कुर्बान हो जाएगा। बेवकूफ बुड्ढे, इस सोने की चिड़िया को अंदर ले जाओ। देखो इसके अंदर 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपया? इसमें से 1 लाख तुम ले लो, ठेकेदार को मत बताना, मेरे को छोड़ दो प्लीज। हाँ, मैं चलिए देखो। Thank you.
मुझे नहीं बुला होगी सजा, मिल गई बहन, मुझे माफ कर, मुझे कसम मैंने जरूर खाई थी, लेकिन इस दुनिया के इंसान नुमा दरिंदों ने मालिक से वफादारी के जुर्म में मेरी आंखें निकाल दी। इस तरह पारसी बाबा की आंखों से मैं अपने दुश्मनों को पहचानता रहा और एक एक करके अपनी मजबूरी का इंतकाम लिया। माँ माँ, सेठ साहब मेरे बाद मेरी माँ का कोई सहारा नहीं। तुम फिक्र मत करो जया, हम गार्ड का कसम उठाकर बोलता है, तुम्हारी माँ को हमेशा अपना बैंक समझेगा। हम तुम्हारा मुकदमा भी लड़ेगा, चाहे हमारा सब दौलत खत्म हो जाए, चाहे हमारा जान चला जाए। यू आर ग्रेट, तुम रूबी का मलमबत्ती का ख्याल रखो। इंस्पेक्टर, मैं हाजिर हूँ। सूरज ढूंढने निकला, हाथ अंधेरा आया है, कल भी साथी साया था, आज भी साथी साया है, सबने साथ।